पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी योग में भारत बनाने के इस गुजरात अभियान को आज हम लोग बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड के ऐतिहासिक डीवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आए हैं और यहां आठवीं क्लास के बच्चे और बच्चियों को योग प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने का हम बीड़ा लेकर के आए हैं। और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि आसन और कुछ प्राणायाम का नाम हमने लिखा है, सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन। इसमें बैठ करके और ये खास करके विद्यार्थियों के लिए जो विशेष लाभकारी प्राणायाम है, वज्र का अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, इन सारे चारों प्राणायामों का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होगा, विचार पवित्र होगा और जिस कार्य को करेंगे उस कार्य के प्रति गहरी निष्ठा और श्रद्धा लगन के साथ जब कार्य को संपादित करते हैं तो वही कार्य मेरे लिए एक पूजा और वर्षित का काम हो जाता है। तो आइए हम योग प्राणायाम के माध्यम से जिस कार्य को यानी पढ़ने के लिए आते हैं, इस पढ़ाई में हमारा ध्यान लगे और पढ़ लिख करके हम भारत माता की सेवा के लिए आगे बढ़े और देश के विभिन्न संस्थानों का हम नेतृत्व कर सके, चाहे वो हमारा मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जब हम जाएं तो हम सबसे सर्वोच्च पदों पर रह करके ही काम कर सके। तो आइए हम ध्यान मुद्रा में बैठे, अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाएंगे और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे और दोनों हथेली को हम घुटना पर नीचे ला कर रखेंगे। इसके बाद मेरुदंड को सीधा रखेंगे, अब आंख बंद करेंगे और तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। आइए आंख बंद करते हैं। तीसरा है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, उस कार्य के प्रति एकाग्र होना, और चौथा है कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। बोलिए मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। आप जीवन के कोई भी कार्य को यदि चारों सूत्रों पर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हम एक्चुअली शुद्ध काम कर रहे हैं या शुद्ध काम कर रहे हैं। स्कूल आना हो, पढ़ाई करना हो, लिखाई करना हो, रोड पे जाना हो, नौकरी करना, कोई भी काम हो, तो भस्त्र का प्राणायाम 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को हम भरते हैं डायफ्राम में और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं और 5 मिनट लगातार अभ्यास करेंगे। तो ऐसा यदि अभ्यास करेंगे तो हमारा ब्लड शुद्ध होगा, प्योरीफाइड होगा और दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, सांसों की बीमारी, हाथ की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी, कैंसर और लकवा जैसी बीमारियों से हम आजीवन मुक्त रहते हैं। दूसरा है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम कैसे करना है, आप दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए, राइट हैंड तर्जनी को मोड़ लीजिए, तर्जनी को मोड़ लेंगे और अंगूठा को दाहिने नाक पे रखेंगे, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने नाक से फिर सांस को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे और दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से भरिए, फिर बाया बंद करके दाहिने से छोड़िए
और डांगा से भर के भी बैठ छोड़िए। ये सब अभ्यास को यदि 5 मिनट से 15 मिनट लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारा जब बाएं नाक से सांस भरते हैं तो दिमाग का दाएं नाक का हमारा स्वस्थ होता है, और जब दाहिने नाक से लेते छोड़ते हैं तो दिमाग का बायां हिस्सा स्वस्थ होता है। और जिस बच्चे को पढ़ाई में मन ना लगे, जिस बच्चे को गाली गलौज में ज्यादा मन लगे, जिस बच्चे को माँ बाप का कहना मानने में तकलीफ होती है, जिस बच्चे को अपने गुरुजनों का कहना मानने में तकलीफ होती है, उन बच्चों के लिए अनुलोम विलोम का प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। और ऐसा करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़े, एकाग्रता बढ़ने से जो हम पढ़ेंगे वो याद होगा कि भूल जाएंगे, याद होगा स्वाभाविक है कि ज्यादा याद होगा तो हम परीक्षाओं में जाएंगे, जो प्रश्न पत्र आता है उसका हम ज्यादा से ज्यादा सही हल कर पाएंगे तो नंबर हमारा ज्यादा उठेगा। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अगली परीक्षा के तौर पर। फिर है भ्रामरी, दोनों औंठाओं कान में लगाइए, बाद में हटा देंगे, बाद में हंसने लगेंगे। और दोनों सजनी को निनाद के मध्य में रखेंगे, एक तीनों मोड़ के आँख पर आँख बंद करिए और मुंह से सांस लेना है कि नहीं लेना है, लेना है। नहीं लेना चाहिए, मुंह से कभी नहीं लेना, नाक से सांस भर के, मुंह बंद करके नाक से सांस भर के और 3 बार घोड़े जैसा ओम का गुंजन करना है। और 3 बार फिर ओम का उच्चारण के आगमन करके हाथ ऊपर उठाइए, हाथ को रगड़िए आपस में, और हथेली जब गर्म हो जाए तो अपने आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे आप बोलिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे।